आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप अपनी वीडियो के अंत में इंड स्क्रीन कैसे लगाएं। और भाई, जब आप वीडियो को देखते हो तो आप आई कार्ड या उसको आई बटन बोलते हैं, वो आप कैसे किसी भी वीडियो को बीच में या लास्ट में कैसे लगाएं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहना। और जो भाई लोग चैनल पर नए हुआ करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा, तो प्लीज चैनल को जरूर भाई सपोर्ट कर लिया करो। तो सबसे पहले आपको इंड स्क्रीन लगाने के लिए सिंपली से आपको अपने YT स्टूडियो ऐप को ओपन कर लेना होता है, उसको क्रोम ब्राउजर पे खोल लेना होता है। तो YT स्टूडियो ऐप को मैं क्रोम ब्राउजर पे खोल लेता हूँ, आप भी खोल सकते हैं, साइड में देख सकते हैं। क्रोम ब्राउजर में खोलने के बाद सिंपली से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे खुलने के बाद आपको कंटेंट के ऑप्शन पे चले जाना है। कंटेंट के ऑप्शन पे जाने के बाद भाई आपको सिंपली से यहाँ पे उस वीडियो को क्लिक कर लेना है जिस वीडियो पे आपको इंड स्क्रीन या आई कार्ड लगाना है, उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। हम इस वाली वीडियो पर लगाना चाहते हैं, तो मैंने इस वाली वीडियो पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली से यहाँ पर इसका कुछ मतलब फेस इस प्रकार दिखाई देने लगता है। इस पर इस मतलब ऐसा दिखाने के बाद यहाँ पर साइड में आप देख सकते हो कि एक इंड स्क्रीन का ऑप्शन आता है, इस पर हम सिंपली से क्लिक कर देते हैं। इंड स्क्रीन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली से आपको तीन ये जो ऑप्शन आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे स्किप मत करिए भाई। सबसे पहले आपको एक ऑप्शन ये साइड में देखने को मिलता है, मोस्ट रिसेंट अपलोड, यानी कि मोस्ट रिसेंट अपलोड। इसका मतलब होता है कि आपने जो अभी वीडियो अपलोड की है उस वीडियो को अपनी इंड में लगाना चाहते हो तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा भाई। अगर आप दूसरा ये मतलब जो आपने अभी वीडियो अपलोड की है उसको अगर लगाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो। और एक ऑप्शन है सेकेंड में, बेस्ट फॉर व्यूअर। बेस्ट फॉर व्यूअर का मतलब ये होता है कि आपकी जितनी सारी वीडियो हैं उनमें से हाईएस्ट रैंक वाली वीडियो कौन कौन सी हैं, जिन पर अच्छे खासे व्यूज आए हैं वो वीडियो आप लगाना चाहते हो तो इस ऑप्शन को आपको चूज करना पड़ेगा भाई। तीसरे नंबर पर भाई है यहाँ पर चूज स्पेसिफिक वीडियो। चूज स्पेसिफिक वीडियो का मतलब ये होता है कि कोई एक स्पेसिफिक वीडियो आपको चुनना होगा, यानी कि स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि आप अपनी मर्जी से कोई भी इन इतनी वीडियो आपने बनाई हैं इनमें से कोई भी वीडियो आप लगा सकते हो। तो सिंपली से अगर आप कोई और वीडियो लगाना चाहते हो अपनी मर्जी से तो आपको इस ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को चूज करने के बाद हम भी ये ऑप्शन चूज कर लेते हैं। करने के बाद सिंपली से आपको क्या करना होगा, ये प्लस का आइकन दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद सिंपली से यहाँ पर एक मतलब रेक्टेंगल आ जाता है इस यहाँ पे, तो इसी में आपकी वीडियो लग जाती है। सिंपली से यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली से यहाँ से इतनी सारी वीडियो आ जाती हैं, इनमें से आप जो मतलब वीडियो चूज करना चाहते हो उस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली से क्या करना है कि यहाँ से सेव कर देना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपकी जो इंड स्क्रीन थी वो भाई लग चुकी है। अगर आप दो वीडियो लगाना चाहते हो तो भाई सिंपली से दो वीडियो यहाँ से चूज कर सकते हो। तो और चूज करने के बाद सिंपली से सेव बटन पर क्लिक करके आपकी वीडियो सेव हो जाएगी, आपकी वीडियो सेव हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप आई जो बटन बोलते हैं या आई कार्ड जिसको आप बोलते हैं उसको कैसे लगाएंगे। तो सिंपली से आपको क्या करना है, ये साइड में आप देख सकते हो आई कार्ड का ऑप्शन आता है, इस पर आपको सिंपली से क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको अगर एक प्लेलिस्ट लगानी है या वीडियो लगाना है या अपने चैनल का लोगो लगाना है तो भाई आपको उसी टाइप से यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का मतलब ये होता है कि आप प्लेलिस्ट लगाकर जितनी सारी वीडियो हो वो सारी एकदम से यहाँ पे लगा सकते हो। बट अगर आपको एक वीडियो लगानी है तो आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली से यहाँ पे एक कार्ड का ऑप्शन आता है। कार्ड मतलब आप जब क्लिक करोगे तो आपको वीडियो चूज करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इतनी सारी वीडियो आ गई हैं। अब इन वीडियो को अगर आप चूज करना चाहते हो, मतलब किस वीडियो पर आप लगाना चाहते हैं अपने आई कार्ड में, उस वीडियो को यहाँ से क्लिक कर लेना है। तो सिंपली से यहाँ पर इस वीडियो को हमने क्लिक कर लिया और क्लिक करने के बाद इस सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सिंपली से क्या होता है, यहां से आपको सेव कर देना होता है वीडियो को। सेव करने के बाद आपकी वीडियो पर इंड स्क्रीन और आई कार्ड दोनों लग चुके हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो भाई चैनल को जरूर सपोर्ट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई।